नमस्कार, बनारसी थाली में मैं सिंपी अग्रहरी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं पिल्सबेरी प्रीमिक्स से ब्राउनी। तो सबसे पहले हम पैकेट से प्रीमिक्स को निकाल लेते हैं और इसे एक मेजरमेंट कप में निकालेंगे। कप हमने 200 ml का लिया है, इसे पूरा भर लेंगे और उंगलियों से हल्का दबाव बनाते हुए हम इसे बराबर कर लेते हैं और एक बड़े से बाउल में इसे हम बनाएंगे। ये 200 ml ब्राउनी प्रीमिक्स हमने ले लिया है और अब हम इससे में पानी ऐड करेंगे 50 ml और इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 30 ml रिफाइंड ऑयल और इसे भी उसी डायरेक्शन में मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसकी थिकनेस देख लेते हैं। थोड़ा मोटा लग रहा है हमें तो हम इसमें 20 ml पानी और ऐड कर लेते हैं और इसे फिर से हम मिक्स करेंगे उसी डायरेक्शन में। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमें और इसकी थिकनेस जो है अब ये एकदम सही है। अब हम इसे एक मोल्ड में डालेंगे। मोल्ड में डालने से पहले हम मोल्ड को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। पूरा ऊपर तक हम ग्रीस कर लेते हैं क्योंकि इसकी हाइट ऊपर तक जाएगी पकने तक। और ऑयल के बाद हम इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। अब हम ब्राउनी के बैटर को इसमें डाल देते हैं और पूरा बैटर डालने के बाद इसे हल्का सा टैप करेंगे इस तरह से। और अब हम इसे ओवन में डालेंगे। हमने 180 डिग्री पे इसे रखा है और 25 मिनट के लिए टाइमर फिक्स किया है। ओवन को हमने 5 मिनट पहले ही प्री हीट किया हुआ है। जब तक ये बनता है तब तक हम इसके डेकोरेशन के लिए वाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। मेल्ट करने के लिए हमने नीचे पानी गर्म किया हुआ है और उसके ऊपर बाउल में वाइट चॉकलेट को मेल्ट किया है। आप चाहे तो प्रीमिक्स को कढ़ाई में नमक डालकर और स्टैंड रखकर भी बना सकते हैं अगर ओवन नहीं है आपके पास तो। 25 मिनट हो गए हैं, अब हम ब्राउनी को चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटी सी स्टिक कर लिया है। स्टिक के ऊपर बिल्कुल भी गीलापन नहीं है, इसका मतलब ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है। और अब हम तैयार करेंगे चॉकलेट गनाश। इसके लिए हम एक पैन गरम करेंगे और 100 ml दूध उसमें डालेंगे और 100 ग्राम डार्क चॉकलेट लेंगे। इसमें डार्क चॉकलेट ना हो तो आप डेरी मिल्क भी यूज कर सकते हैं। हमने डार्क चॉकलेट मोडे कंपनी का लिया हुआ है और इसे हम धीमी आंच पर मेल्ट करेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से पका लेते हैं। एक बाउल आने पे गैस को बंद कर देंगे और 2 मिनट तक इसी तरह हम चलाते रहेंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा, हल्का सा ठंडा करना है हमें बस। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया आप देख सकते हैं। और अब हम ब्राउनी को थोड़ा इस तरह से चौकोर भागों में कट कर लेंगे ताकि चॉकलेट गनाश पूरा अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और हमें सर्व करने में भी आराम रहेगा। अच्छे से हम सर्व कर लेंगे प्लेट में। तो चॉकलेट गनाश को हम इसके ऊपर डाल देंगे, इस तरह से फैला देंगे और हल्का हल्का टैप कर देंगे ताकि नीचे तक पहुँच जाए चॉकलेट। और अब हम इस पर करेंगे वाइट चॉकलेट से डेकोरेशन। तो इसके लिए हम पाइपिंग बैग में चॉकलेट को भर लेते हैं। आप चाहे तो गार्निशिंग के लिए चॉकलेट चिप्स या फिर चॉकलेट को कद्दूकस करके भी उस पर डाल सकते हैं और या फिर स्प्रिंकल्स भी डाल सकते हैं। किसी भी तरह से डेकोरेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं कोई भी स्प्रिंकल्स वगैरह या चॉकलेट। तो हमने इसको पाइपिंग बैग में भर लिया है चॉकलेट को और इसके कोने को हम ज़रा सा काट लेंगे, एकदम ज़रा सा काटेंगे ताकि ये काफ़ी पतला निकले। ये देखिए इस तरह से। तो अब हम इस पर एक डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं, अपने मनपसंद की डिज़ाइन कोई भी आप डाल सकते हैं। पिल्सबेरी के जो प्रीमिक्स है उसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझावों को हमारे साथ शेयर ज़रूर करिए।
धन्यवाद।